शादी हो गई तो प्रेतात्मा बेहाल करके रख देगी जिंदगी सबकी। हरी की शादी कराने चली है ना तू? आपके घर में तो ये सब कुछ चल रहा है, पर ससुराल जाएगी तब? जब तक लड़की नहीं मिल जाएगी आगाई हरी की रक्षा करेगा। तुम सबने सर पे चढ़ा के रखा है उसे, इसलिए चला गया जनकपुर बिना बताए। कल कुछ होने वाला है। बस अब भगवान से यही प्रार्थना करके कि अब जो हो ठीक हो। माफ कीजिएगा इंजीनियर बाबू, हमने आपको पहचानने में गलती की। संभाल के यहां। आइए 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 भाई, आप लोगों के रहने का इंतजाम इधर ही किया है। बड़े अजीब लोग हैं इस गांव में, इस तरह से स्वागत करते हैं आपके यहां पर मेहमानों का? नहीं नहीं, देखिए ऐसी बात नहीं है, आप लोग हम गांव वालों को गलत मत समझिए। ये जो कुछ भी हुआ है वो मेरी बेटी की वजह से हुआ है। हाँ हाँ, अब आपकी बेटी की वजह से हुआ। चुप कर निहाल, इसका मतलब वो आपकी बेटी है? जी, वो पगली मेरी ही बेटी है, उसी की वजह से ये सारा तमाशा हुआ। देखिए उसकी ओर से मैं आप ये आप क्या कर रहे हैं? देखिए देखिए, बड़ों को इस तरह छोटों के सामने हाथ नहीं जोड़ने चाहिए। वैसे आपकी बेटी का नाम क्या है? श्री। देखिए अब आप लोग आराम कीजिए, लंबे सफर के बाद थक गए होंगे, और कुछ भी जरूरत पड़े तो आवाज दीजिएगा, हम यहाँ नीचे ही रहते हैं। जी जरूर। और वैसे भी मैं बस थोड़ी देर में चाय नाश्ता भिजवाता हूँ। जा बेटा जा, पहले नहा ले। अरे सोच क्या रहा है, जा ना। ये तो गया। वो कोई भूत भूत नहीं है, वो सचमुच में इंजीनियर है। हाँ तू तो बड़ा है ना ज्ञानी पंडित, तुझे तो सब कुछ पता है। छोटू ने मुझसे कहा था उस जंगल में एक पिघलता पप्पू रहता है। क्यों छोटू, कहा था कि नहीं, पता है इसे? अरे श्री, इसे तो लपेटने की आदत है, और हर बार की तरह इस बार भी तू इसके लपेट में आ गई। लपेट में तो मैं लूंगी अब श्री को। पता नहीं उस पिघलते पप्पू ने इन्हें क्यों नहीं पकड़ा। राम 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 राम, क्या होगा इस लड़की का? पत्थर मार रही है, एक बड़ा सा पत्थर ला और मार मेरे सिर पर। बड़ा तो नहीं ये है, चलेगा? कब? दांत निकालने के सिवा कुछ आता ही नहीं है? दांत निकालने से तो अच्छा है वह इंजीनियर बाबू के पास जा और माफी मांग, भगवान तेरा भला करेगा। वो कोई इंजीनियर बाबू नहीं है, भूत है भूत, और उसका नाम पिघलता पप्पू है। आप भी उससे दूर रहो, वरना आ बैठेगा आपकी गर्दन में भी। क्या यार, एक भी चीज सही नहीं है यहाँ पर, ऐसे कैसे रहेंगे हम लोग यहाँ? हेलो, मैं तुझसे बात कर रहा हूँ। क्या हो गया है यार तुझे?
थोड़ी अलग थी ना। कौन? श्री। यार लड़कियां तो बहुत देखी हैं, पर पता नहीं क्या बात है इसमें, कुछ अलग ही है। इसीलिए तो जब से इसे देखा है सिर्फ इसी के बारे में सोच रहा हूं। यार ये क्या हो रहा है, ये दरवाजे ऐसे कैसे बंद हो रहे हैं? कितनी सादगी, कितना भोलापन। हरी हरी देख ले, दरवाजा नहीं खुल रहा है। हरी क्या हुआ यार? अरे आ ना यार, चल साइड में हट। देखा नहीं खुल रहा है। अजीब औरत है यार। अरे मैं तो कहता हूँ ये औरत ही नहीं, पूरा का पूरा गांव अजीब है। अरे गांव नहीं, ये तो पागल खाना है, पागल खाना। देख रही मेरी बात मान, अपने इस करियर को और मॉल बनाने के ख्वाब को छोड़ दे, वो सब अनंत भाई कर लेंगे। चल यहाँ से मुंबई चलते हैं। देख मेरे घर वाले भी तुझे याद कर रहे होंगे, पहली बार उनसे दूर आया तू, चल यहाँ से। देखा फिर से याद किया, फिर से याद किया, चलना चलते हैं मुंबई। हाल ये याद नहीं है, अरे जुखाम हो गया मुझे। अच्छा। और वो भी तेरी वजह से, ना तू मुझ पर बाल्टी भर के पानी डालता हो ना ये सब होता। यही तो देख 20 साल में एक बार भी नहीं छीका है तू, और यहाँ आते 20 बार छींक चुका है। छींक छींक कर बेचारे की हालत खराब हो गई है। पापू भूत भी क्या बीमार पड़ते हैं, वो तो सिर्फ बीमारी का नाटक कर रहा है। चलो बेटिया जिद मत करो, और ये काढ़ा जाओ जाकर उसे देकर आओ। देखो वैसे मैं छोटू को ही कहता, पर पता नहीं वो कहाँ है। देखो बिटिया, नहीं नहीं बिटिया, देखो वैसे भी मेहमान भगवान शिव का रूप होते हैं, तो उनकी सेवा करना हमारी फर्ज है ना। जाओ जाओ देकर आओ। देखती है क्या, लेकर आओ और जाओ। नरोत्तम नरोत्तम, ये लड़की तेरा बुढ़ापा मुश्किल कर देगी। मेरी मान इसका कुछ निपटारा कर दे, तुझसे नहीं होता तो इसकी कुंडली मुझे दे दे, किसी और पंडित से पढ़वा कर बिरादरी में बटवा दूं। न जाने कब किससे उसका घर मिल जाए। चल ला कुंडली ला। देखो शुभाबेन, वो उसकी कुंडली मैंने संदूक में रख दी थी, बरसों से देखी भी नहीं। नहीं देखी ना तो मैं देख लूंगी। अब तू कुंडली पढ़ेगा या मैं किसी और से पढ़वा लूं? नरोत्तम तेरी बेटी की जिंदगी का सवाल है। ठीक है मैं ही निकाल लेती हूँ जन्म पत्रिका संदूक से। यदि कोई और काम होता ना तो मैं तुरंत कर लेता, पर ये काम नहीं। और फैबा को पता चलेगा ना तो बहुत पिटाई होगी। और आपको अपने डर पे काबू रखना है ना, फिर चलो जाइए। लेकिन छोड़ो, और एक बात, आप जैसे ही कमरे में जाते हो ना पहले उसके पाँव देखना, सीधे है कि उल्टे, और अगर उल्टे हुए ना तो जोर से सीटी मार देना, मैं आ जाऊंगा। ठीक है, अब डरो मत दीदी, अब जाओ। लेकिन छोटू मुझे कोई सीटी बीटी बजानी नहीं आती, तुझे आती है ना, तो एक काम कर तू ही दे जा। पर दीदी सीटी बजानी कोई अच्छी बात थोड़ी है, और आपको ताली बजानी आती है ना, अब ताली बजा देना। ठीक है ठीक है, अब जाइए। अरे नहीं लेकिन छोटू। अरे दीदी काढ़ा ठंडा हो जाएगा ना तो फैबा हम दोनों का काढ़ा बना देगी। जाइए। अरे जाइए दीदी, पर डरिए मत, जाइए जाइए। Thank you.
ज्ञान को सागर कपीर दिल को जाकर क्या कर रही थी तुम? वो मैं देख रही थी कि तुम्हारे पांव सीधे हैं या उल्टे। What? उल्टे पांव? हाँ, भूतों के पांव ना उल्टे ही होते हैं। तुम्हें किसने कहा? छोटू ने। सच्ची तो कह रहा है छोटू, भूतों के पांव उल्टे ही होते हैं। हम भूतों ने भी तुम इंसानों की तरह बहुत तरक्की कर ली है, आजकल उल्टे पांव सीधे भी हो जाते हैं। इसे कहते हैं ना स्मार्ट भूत। ताली बजाना तो आता है ना? अब ताली बजा दो ना। मैं आ जाऊंगा। ताली कैसे बजाऊं? एक हाथ में काढ़ा है और दूसरा भूत जी वो ये क्या है? काढ़ा बाबूजी ने आपके लिए भेजा था। लाओ, मैं भी तो देखूं इंसानों की दुनिया में काढ़ा कैसे बनता है। ए, ये क्या कर रही हो? छोटू को बुला रही थी। नहीं नहीं, उसको नहीं, वो ना मुझे बहुत देर हो गई है और मुझे बहुत डर भी लग रहा है। ओ, तुम्हें डर भी लग रहा है? किससे? मुझसे? देखो प्लीज सॉरी, मैं मजाक कर रहा था, मैं भूत नहीं हूं। मेरा विश्वास करो, मैं मजाक कर रहा था, मैं भूत नहीं हूं। प्लीज रो मत। सच्ची कह रहे हो? अरे देखो, पकड़ो इसे, पकड़ो। देखो मेरे हाथ मेरे पांव सब सीधे हैं, मैं मजाक कर रहा था, मैं भूत नहीं हूं। तो फिर सुबह मेरे पीछे क्यों भाग रहे थे? मैं तुम्हारे पीछे पीछे भाग रहा था कि तुम मेरे आगे आगे भाग रही थी। अरे आप तो सवाल पे सवाल पूछते हैं। पहले सवाल मैंने किया है, जवाब आपको देना चाहिए। अब बताइए आप मेरे पीछे क्यों भाग रहे थे? मैं तुम्हारे पीछे पीछे इसलिए भाग रहा था क्योंकि तुम्हारे पास मेरा मोबाइल था। चोर समझ रहे थे? अरे यार, तुम मुझे भूत समझ सकती हो तो क्या मैं तुम्हें चोर नहीं समझ सकता? पापा ने कहा था कि मैं आपसे माफी मांगू, लेकिन मैं माफी क्यों मांगू? मेरी गलती थोड़ी ना थी, इसलिए मैं कोई माफी नहीं मांगू। क्यों नहीं मांगूंगी माफी? क्योंकि आपने मुझे चोर समझा और मैंने आपको भूत, हिसाब बराबर। ओ, तुम तो कितनी समझदार हो। अरे अरे अरे, मैं तो भूल ही गई, काढ़ा ठंडा हो गया ना तो असर नहीं करेगा और पापा को फिर से बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। तो आप एक काम कीजिए,
नाक पकड़कर जल्दी से इसे पी लीजिए। पक्का ना? हाँ। ओके। जल्दी कर, तू शादी का योग बता दे, बाकी सब काम मैं कर लूंगी। इस बार तो तेरी लड़की की डोली उठाकर ही जाओगी जनकपुर से। शोभा बहन क्यों मजबूर कर रही हो? उस दिन के बाद मैंने कभी इस पत्री को संदूक से नहीं निकाला। फिर आपने क्यों निकाला इस पत्री को संदूक से? जो बीत गई सो बीत गई नरोत्तम, क्यों उस दिन को याद करके अपना आज खराब कर रहा है तू? फिकर मत कर, भोले शंभू का नाम लेकर पत्री पढ़, डर मत, सब ठीक होगा। जन्म पत्र के अनुसार आने वाले 16 दिन श्री के लिए बहुत ही घातक होंगे। इन 16 दिनों में उसके जीवन में बहुत ही उथल पुथल मच जाएगी। विवाह का योग भी है। लेकिन अगर इन 16 दिनों में उसका विवाह हो जाता है तो बहुत ही संकट में पड़ जाएगी मेरी बेटी। और उसका विवाहित जीवन भी